देखिए, आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई आयोजन किए गए थे, स्वच्छता को लेकर कुछ आयोजन किए थे, लेकिन इसमें जो मुख्य कार्यक्रम था वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से आयोजित किया गया था। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह आयोजन किया गया था, जिसको नाम दिया गया खादी महोत्सव 2019, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुख्यमंत्री ने इस महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद तमाम तरह की बातें भी कही, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, माटी कला बोर्ड के जरिए किस तरह से विकास हो रहा है खादी ग्राम बोर्ड का, साथ ही उससे जुड़े हुए लोगों का किस तरह से विकास हो रहा है, देश के विकास में इनका कितना योगदान है, इस पर भी सीएम ने अपनी बात रखी है। बात करें इस खादी महोत्सव की, तो इसमें फैशन शो का आयोजन किया गया है। इसमें खादी से जुड़े तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो उपलब्ध हैं, जैसे कंबल हुआ, खादी के बने हुए कपड़े हुए, खादी के कोट जैकेट, तमाम सिल्की साड़ियां, तमाम ऐसे वहां पे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जो आम जनमानस को खरीदने के लिए मिल सकते हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात है इस जो खादी महोत्सव की है कि इसमें दूर दराज से आए हुए पूरे देश से लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और अपने अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं। सीएम ने सबसे आग्रह किया है कि इस पर एक बार जरूर इस महोत्सव में आए और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका खरीदें, उसको जाने और खादी को बढ़ाने के लिए जो सतत प्रयास सरकार कर रही है उसको सार्थक बनाने की पहल करें। जी, हर साल इसको करवाएंगे फ्री में, ठीक है, उसका शासनादेश जारी हो चुका है, इसको कराएंगे। इससे सीख गए ना आप लोग कैसे बनना है इसमें, आप लोग तो खैर पारंगत हैं इसमें, हैं बहुत सुंदर। अब प्लास्टिक में आपकी किस्मत से प्लास्टिक में बैन लग गया। भारत में भी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक युवा वाला राज्य है, यानी सबसे अधिक ऊर्जा हमारे पास है, लेकिन ये ऊर्जा के लिए कार्य चाहिए, इसको रोजगार चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, एक खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान हम लोगों ने मात्र 3,350 करोड़ रुपए की लागत से जो ऋण और जो अनुदान इस क्षेत्र में दिया, उसके माध्यम से 8,74,000 लोगों को रोजगार सृजन करने में हमें मदद मिली है, अनुमान कर सकते हैं।